सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद अफरोज कुरैशी नामी लड़का अपनी बीवी को हरासमेंट करता। दरअसल ये गलत बात है। सच तो यह है कि मोहम्मद अफरोज की बीवी अक्सर मोहम्मद अफरोज को हरासमेंट करती है और लड़की के वालिद अपने दामाद से 4 लाख का डिमांड कर रहे हैं। मोहम्मद अफरोज अपनी बीवी के घर वालों को पैसा ना देने पर लड़की के घर वालों का नाटक। मोहम्मद औस अपनी बेटी के हस्बैंड को अक्सर पैसे से लेकर सताया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह मोहम्मद गौस अपने दामाद के घर आकर पूरा सोना और पैसे लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो में आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज कुरैशी है और शादी होकर 3 साल हो रहा मेरे को। मेरा एक छोटा बच्चा है, अबू बकर नाम है मेरे बच्चे का। और क्या बोलते सो मेरे ऊपर से उल्टे सीधे तौबतान लगा रहे कर रहे हैं, सरासर गलत है। और कल ये वीडियो मेरे को जो बोले उन लोगों वीडियो जो डाले करे वो गलत है सब मेरे ऊपर। क्या भी वो तो बता नहीं मारा मैं वीडियो बीवी को मारा नहीं कराना। मैं 3-6 महीने से मेरी बीवी की सूरत भी नहीं देखा मैं, वो घर को गया भी नहीं वहाँ पर। और ये वहाँ पर उनके अम्मा बाबा के पास ही छे वहाँ पर। ये सब वजह होने की क्या है, 4 लाख रुपये डिमांड कर रहे लोग पैसों की वहाँ पर। ये वजह खाली हर बात को पैसे 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 बोल के बोलते हैं। और उन्होंने जो भी बात करे तो बैठक में भी बात करे तो लोगों से सुनने में आया 4 लाख रुपये दियो खुला देते हो बोल के उन्होंने डिमांड कर रहे हर वक्त पैसे पैसों के। ये पैसे की बात की जिंदगी, पैसे तो ज़िंदगी में नहीं आते ना। बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर रहे, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे। ना कहाँ से पाल सकेंगे मेरे बच्चे को, उनकी बच्ची की खुद इज्जत ना उछाल ले रहे वीडियो में उल्टे सीधे वीडियो बना के करके। और ये सोशल मीडिया पर जो बोले वो वीडियो डाल दे रहे कर दे रहे, तहकीकात करके करके डालना करना कुछ भी डाले करे तो ऐसा डाल दिए तो कैसा। हमारी भी ज़िंदगी है भाई, छोटी मोटी ज़िंदगी है, थोड़ी बहुत इज्जत है हमारी भी। वो इज्जत काम की नहीं है तो क्या फ़ायदा, मर जाना अच्छा है भाई, इससे अच्छा तो वहाँ पर। हमारी बीवी का सोना होना जो काउंसलिंग सेंटर से जो आए थे उन लोगों के सामने बिठा के करके हमारे ससुर साहब मोहम्मद गौस साहब ले लेके है मेरे पास वो प्रूफ भी सोना हुआ है, सब सामान वामन सब ले लेके चल गए उन्होंने वहाँ पर। हमारे गौस साहब बुलाए थे, ससुर साहब बुलाए थे हमारे, हमारे सास भी थे, हमारी जोरू भी थी और हमारा मामू ससुरा भी था। कब की बात है ये देखो बात 6 महीने पहले की बात है, आपको कर तो खुद की बात है। वो मैं शाम में उठ के देखे तक सोशल मीडिया पे वीडियो आने की तरफ से मैं सुसाइड कर ले रहा था। हमारे आजू बाजू के पड़ोसी लोग आके मेरे को बचाए करे वहाँ पर, और हमारे घर में कौन भी नहीं थे। हॉस्पिटल को गए हुए थे, हमारी भांजी की तबीयत ख़राब थी तो बहन हमारे अम्मी गए हुए थे हॉस्पिटल को ले लेके वहाँ पर। अब करना क्या चाह रहे, उन्होंने इज्जत तो बदनाम कर दिया। मैं इंसाफ करना चाह रहा हूँ हैदराबाद कमिश्नर ऑफिस साहब से, मैं इंसाफ करना चाह रहा हूँ। ये उल्टे सीधे तौबतान लगाए मेरे ऊपर, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ कि हमारे भाई अफरोज कुरैशी है, उनकी शादी होकर 3 साल हो रहा। 3 साल में हमारे भाई की शादी होकर 3 साल हो रहा और हमारे भाई शादी कर लिए बाद में हमारे भाभी को घर पे लाए, लाए बाद में फिर उन्होंने दो महीने चच्छा रहे हमारे घर में। 2 महीने के बाद में जो स्टार्ट करे रंगत उनका अलग होते बोले तो अलग भी कर दियो उनको। अलग करने के बाद उन्होंने भाई के साथ हमारे सही नहीं रहे। कल जो वायरल हुई वीडियो ये सब गलत है, हमारे पास सब प्रूफ है उनका, जो हमारे भाई के ऊपर झूठ एग्जाम लगा रही है और उन्होंने सुसाइड कर ले रहे थे हमारे भाई। ये वीडियो देख के इज्जत के तौर पे ये वीडियो देख के हमारे भाई सुसाइड कर लेना चाह रहे थे क्योंकि हम लोग नहीं थे घर पे, हम लोग हॉस्पिटल को गए हुए थे। तो हम लोग हॉस्पिटल को गए तो नीचे पड़ोसी आके हमारे भाई उन लोगों को बचा दिए, सुसाइड कर रहे तो आवाज़ा देख के बच्चे को बचा दिए। बचा देने के बाद में फिर हमारे भाभी डिवोर्स लेते बोल के बोले, डिवोर्स लेके 4 लाख रुपये दियो बोल रहे। उनके बाबा तोड़ाना चाह रहे हैं बच्ची को, बच्ची के बच्ची भी नहीं छोड़ना चाह रही, उनके बाबा ही छुड़ाना चाह रहे हैं बच्ची को क्योंकि मेरे को 4 लाख रुपये दियो मैं छोड़ देती हूँ तो माँ को बोल के ऐसा बोल रहे हमारे भाई को। हमारे भाई छोड़ना नहीं चाह रहे उनको, उनके बच्चे की ज़िंदगी देखना है बस उनको, उन्होंने बच्चे का सोच रहे उनके और उनके वाइफ के साथ उन्होंने सब अच्छे ही थे। झूठे सच्चे एग्जाम लगा रहे मेरे भाई के ऊपर, ये सब गलत है। नहीं पूरा सोना ना मीडिया वालों से बुला के ले लिए हमारे पास से, एक भी सोना नहीं है, पूरे कपड़े सोना सब ले लिए। ना हमारे पास वीडियो भी है ना मीडिया वालों से आके प्रूफ लिए। सो कितने साल हो रहा आपकी भाई की शादी? मेरी भाई की शादी होके 3 साल हो रहा। ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज है ये। मतलब बरकात हूँ,
मैं तो 8 साल से उनके साथ जिंदा हूँ, घर में देख रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, हमारे घर वाली के साथ जो हमारा साला तो वैसा नहीं है, काम काम में ध्यान देता बच्चा, जो तो जिम्मेदार बच्चा है घर का, और तो शाम में नाइट का काम करते, दिन में आते हैं, उनके पिताजी तो नहीं है, बच्चा तो वैसा नहीं है। शादी हो गई 3 साल हो गया उनकी, 3 साल होने के बाद जो 3 साल हो गया तो 2 महीने में जो सो ना गेम खेलना स्टार्ट हो गया, कर ले गए जैसे उनकी अम्मा बाबा जो सो आगे मीडिया वालों को लेके आगे जैसे अलग कर लेके ले सोना चांदी सब ले लेके चले गए, हर चीज़ ले लेके चले बोल के, जो दफा होने के बाद जो तो 2-3 महीने कुछ रहे वहाँ पर अलग अलग भी रहे, दो महीने रहने के बाद भी जो तो हमारे साले साहब को टॉर्चर कर रहे थे उनके पिताजी, ऐसा कैसा जो तो बाबा जो तो बच्चे की जो तो ज़िंदगी ख़राब करा, आगे वाले की ज़िंदगी ख़राब करा, पैसों की लालच ऐसी क्या चीज़ है जो सा ऐसे बाबा ऐसे बापा रहने से अच्छा जो सा खुदकुशी कर लेना सा ऐसा सुनने से अच्छा खराब करे। हर दफ़ा जो तो पैसे की बात, मीडिया 4 लोगों को बुलाए तो पैसों की बात, 4 लाख रुपए दिए छोड़ देंगे, 4 लाख रुपए दिए छोड़ देंगे, ऐसा इनके पिताजी बात कर रहे हैं, बच्ची के उनके बच्ची के बाप मोहम्मद गौस उनके पिताजी है, और जो सो उनके रिश्तेदार भी जो तो आते नहीं जाते नहीं, जो तो बैठ के आपस में बैठ के जो तो 4 लोग उनके लाके बैठा के जो तो बात होती, ये इज्जत उछालना की अच्छी बात है क्या, मीडिया वालों को लेके आना, पुलिस PSI में जाना हो जाना, और सब गलत बात है ना, ये तो खाली पीली बच्चा है, बच्चा तो वैसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ बच्चे के तो साइड में ले रहा हूँ, बच्चा तो वैसा नहीं है, टॉर्चर कर रहे लोग जो तो बच्चा हैबत खराब, और रात में जो तो सुसाइड कर ले रहे थे कहते अप्रोच में, तो मेरे को रात में ही मालूम हुआ, रात में 12 बजे मालूम हुआ, फिर मैं रात में 12 बजे 1 बजे आके जो तो फिर समझा गया वो जो तो देखो बच्चे को बदनाम कर दिए, जो तो बदनाम करने के बाद जो तो हर दफ़ा जो तो बच्चे को टॉर्चर करते 4 लाख 4 लाख, तो फिर अभी तक लेके चल रहे थे, फिर जो तो मीडिया में आ गए वीडियो यूट्यूब पे वो देख के बच्चा जो तो सुसाइड करने के वास्ते था, वो भी बेचारे बाजू वाले जो तो पड़ोसियाँ थे कहते हैं तो पैसे नहीं देने की वजह से टॉर्चर, हाँ टॉर्चर कर, हाँ वो तो वो हिसाब से पड़ोसियाँ देख के जो उनको बिठा लिया ना, घर में तो कोई भी नहीं, हमारे घर वाले खर्चा वर्चा कुछ भी नहीं, टॉर्चर कर रहे छोड़ देने के वास्ते बच्चे को, टॉर्चर कर रहे बच्चे की छोड़ दे, जिंदगी तबाह कर दे रहे दोनों की, छोड़े बच्चे की सूरत नहीं देख रहे, बच्चा एक अफरोज को एक हमारे साले साहब को बेटा है वो बच्चे की सूरत नहीं देख रहे, जो तो ना पैसों की लालच कर रहे हैं। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.